हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आबिद एके एंड वेलकम टू टेक्सोर। ओके, तो अगर आप अपने फोन में यूएसबी डबिंग ऑन करना चाहते हैं, बेसिकली यूएसबी डबिंग किस लिए यूज होता है? अगर आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या किसी डिवाइस से अपने फोन को कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूएसबी डबिंग इज इंटेंडेड फॉर डेवलपमेंट पर्पस ओनली। Use it to copy data between your computer and your device, install apps on your device without notification and read log data. तो आप इसको कैसे ऑन कर सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। सबसे पहले आपको अपने फोन की यहाँ पर सेटिंग्स में आ जाना है। तो यहाँ पर मैं अपने फोन की सेटिंग्स में चले जाता हूँ। ये रहा सेटिंग्स, इसको यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें मोर सेटिंग्स में चले जाना है। ये रही मोर सेटिंग्स, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हमें अबाउट फोन का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें अपना सॉफ्टवेयर वर्जन ढूंढ लेना है। आपके फोन में हो सकता है बिल्ड नंबर का ऑप्शन हो, आपको उस पर टैप करना होगा। तो यहाँ पर मुझे 7 times ऐसा टैप करना है, तो ऑलरेडी मैंने इसे किया है। तो यहाँ पर नो नीड, यू ऑलरेडी आर डेवलपर लिखकर आ रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर 7 times क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपका डेवलपर ऑप्शन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप बैक करेंगे, यहाँ पर आप नीचे स्क्रोल करेंगे, तो इस तरीके से डेवलपर ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इसे ओपन करके इसे कर लेना है इनेबल, ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पर बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है कि आप ये डेवलपर ऑप्शन को हटाए कैसे। ऑन भी होना चाहिए लेकिन ये ऑफ होना चाहिए, इससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो मैंने चैनल पे ऑलरेडी इस पे ये वीडियो बनाया हुआ है, आप सर्च कीजिए हाउ टू रिमूव डेवलपर ऑप्शन रेड आइकॉन, तो मेरी वीडियो आपको सबसे ऊपर मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप यूएसबी डबिंग ऑन यहाँ से कर दीजिए, ओके यहाँ से कर दीजिए। अब आप कनेक्ट करिए अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, किसी भी डिवाइस को अपने फ़ोन से यूएसबी डबिंग ऑन होने के बाद। तो वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह।